धारा हो या वेगवती नदी या महासागर, यदि उसे पार करना है तो उसमें उतरना ही होगा। केवल बाहर बैठकर उसे निहारने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। यदि नाव ना हो तो लहरों से लड़ना होता है, धारा से टकराना होता है। यदि तैरना सीखना है तो डूबने के भय से उभरना होता है। यही जीवन है। ठीक इसी धारा, नदी, महासागर की भांति हमारे जीवन में हमारे समक्ष संघर्ष आकर खड़ा हो जाता है। फिर हम सोचने लगते हैं कि इससे पार कैसे पाएं। हम सोचते हैं कि ये स्वयं समाप्त हो जाए, परंतु संघर्ष या संकट स्वयं समाप्त नहीं होते। उन्हें समाप्त करने के लिए उनसे जूझना पड़ता है। इसलिए संघर्ष से बचना श्रेयस्कर नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको संघर्ष का सामना करना होगा। आपके मौन रहने से संघर्ष हटे या ना हटे, परंतु आपका विकास अवश्य अवरुद्ध हो जाएगा।